हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मैक्रोनी। बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। दोस्तों एक बार आप इसे जरूर ट्राई करेगा घर में। फ्रेंड्स, बनाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वेज मैक्रोनी बनाना। वेज मैक्रोनी बनाने के लिए दोस्तों मैंने लिया मैक्रोनी 1.5 कप। अब इसे कर लेते हैं बॉयल। बॉयल करने के लिए मैक्रोनी को मैंने कढ़ाई में डाला 2 गिलास पानी। आप मैक्रोनी के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितना मैक्रोनी ले रहे हो उससे 3 गुना ज़्यादा पानी डाल लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे मैक्रोनी, 1 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से मैक्रोनी स्टिकी सी नहीं बनती। अब डाल लेते हैं 1 चम्मच नमक। अब इसे कुछ देर के लिए बॉईल होने देते हैं हम। पाँच मिनट में मैक्रोनी काफ़ी अच्छी तरह से पक चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। ये जानने के लिए मैक्रोनी पकी है या नहीं आप उसे खाकर देख सकते हो। दोस्तों काफ़ी बार मैक्रोनी काफ़ी टाइम ले लेती है, वो डिपेंड करता है कि आप वो किस कंपनी का ले रहे हो। मैंने मैक्रोनी को छान लिया है। मैक्रोनी दिखने में काफ़ी अच्छी लगने लग रही है। दोस्तों काफ़ी खिली खिली भी बनी है। आप इसमें ऑयल जरूर डालें ताकि ये खिली हुई बने। अब बना लेते हैं इसकी ग्रेवी, या कह सकते हो कि आप इसमें लगा लेते हैं सब्जियों का तड़का। मैं इसमें डालूंगी ऑयल। दोस्तों अब डाल लेते हैं इसमें जीरा, हल्का सा इसे भून लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट, 7-8 कलियाँ लहसुन की, इसको भी मैंने कट कर लिया है। अगर आप चाहो तो इसे कूट भी सकते हो या फिर बारीक पेस्ट बना सकते हो उसका। 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। दोस्तों अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, पर इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है मैक्रोनी के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने इसमें 1 बड़ा प्याज काटा है बारीक, इसको भी सेक लेते हैं अच्छी तरह से। अब हम डाल लेते हैं इसमें टमाटर। मैं इसमें 1 बड़ा टमाटर डाल रही हूँ दोस्तों, इसको भी कुछ टाइम के लिए सेक लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें नमक। मैं इसमें 1 छोटी चम्मच नमक ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। 1/2 चम्मच लाल मिर्च की, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ऊपर अमचूर। अब इन सबको मिला लेंगे। अब डाल लेते हैं दोस्तों गाजर। मैं इसमें 1 कप गाजर की डाल रही हूँ। अगर आपके पास गाजर नहीं है तो आप कोई और सब्जी भी डाल सकती हो। 1 कप गोभी, इनको भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। अगर आपके पास ये सब्जी नहीं है तो आप इसकी जगह कोई और सब्जी भी डाल सकते हो दोस्तों। अब डाल लेते हैं मैक्रोनी जो बॉईल की थी हमने, इसको भी मिला लेंगे आप अच्छी तरह से। दोस्तों अब डाल लेते हैं 1/2 कप सॉस। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है मैक्रोनी में। मसाले के साथ हल्का सा मीठापन आता है जो कि काफ़ी स्वाद लगता है। अब मिक्स कर लेते हैं इसे। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। कितनी आसानी से बन गई है मैक्रोनी दोस्तों। दोस्तों मैक्रोनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही यम्मी। आप इस रेसिपी को घर में जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय।